आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है पहली तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की खुशखबरी आएगी। मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं थी कि 160 रुपये का डॉलर 286 होता या 305 होता। यकुम अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता होगा, वफाकी वजीर सनद गौहर एजाज ने खुशखबरी सुना दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। स्मगलिंग रोकने से करेंसी अपनी असल जगह पर आ गई। बिजली बिल्स में कमी के लिए भी कोशा है। वजीर सनद ने गैस महंगी होने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं 17 डॉलर की गैस खरीद कर 4 डॉलर में कैसे दे सकते हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी बोले, डॉलर 250 रुपये तक आ जाएगा। हुकूमत को आवाम पर तरस न आया, महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। नेपरा का सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी करने का फैसला। वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया, बिजली कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। बिजली की कीमत बढ़ाकर सार्फिन की जेबों से मजीद 159 अरब रुपये निकलवाए जाएंगे। उधर शहरियों ने फैसले को जालिमाना करार दे दिया। हम कमा रहे हैं, ये ऐशियां कर रहे हैं हमारे पैसों के। रोजाना आप देखें पेट्रोल महंगा हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, किससे पूछे। कम से कम उनको कोई रिलीफ तो दे ना जी, ताकि कोई चीज सस्ती करे, ताकि आवाम में सेट गलत सेट पे जाए ना। ये जो इन्होंने बिजली बम गिराया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और अपने निगरान वजीर आजम से, चीफ जस्टिस साहब से हम अपील करते हैं कि खुदारा इनमें हमें रिलीफ दिया जाए, ताकि ताजिर भाई और एक आम शहरी कोई खुशहाली जिंदगी गुजार सके। बिजली और पेट्रोल के बाद अवाम को अब गैस का बिल जलाएगा। IMF का पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। निगरान हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार। 1 अक्टूबर से दरामदी और मकामी गैस की एक ही कीमत मुकरर किए जाने का इम्कान। घरेलू खाद और कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी की खत्म की जा सकती है। ECC इजलास में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान। किसी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, कोशिश इलेक्शन तक कुछ निजकारी हो चुकी हो। मकसद नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में मदद देना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहती हैं, नवाज शरीफ से वापस आए तो इनसे कानून के मुताबिक सलूक होगा। 9 मई में मुलव्वस नासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दौरा न्यूयॉर्क को कामयाब करार दे दिया। न्यूयॉर्क से लंदन पहुँच गए, 27 सितम्बर को पाकिस्तान रवाना होंगे। नए इलेक्शंस, नए रूल्स। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिखें तब्दील कर दी। आम इंतखाबात के लिए 5 नए फॉर्म्स भी जारी कर दिए। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। RO उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा। इंतखाबात से मुतालिक पटिशन 1 लाख रुपये के इवज फाइल की जा सकेगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नतायज की वसूली के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया। इलेक्शन नतायज भेजने के लिए तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को टैबलेट्स दिए जाएंगे। इंतखाबात के लिए नया बयानिया क्या होगा। मुस्लिम लीग नून का मशावरती अमल तेज। बयानी और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। तजावीज 7 रोज में तैयार करके नवाज शरीफ को दी जाएंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं, आवाम के लिए मौशी रिलीफ का बयानिया होना चाहिए। इधर उधर के बजाय नून लीग सिर्फ मौशी अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का पार्टी कायद की वापसी से पहले लाहौर में 7 जलसे करने का फैसला। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनों का लहू गरमाएंगे। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़ कर नहीं गए थे। वो जब तशरीफ लाएंगे तो मुल्क का जो आईन और कानून, उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं, हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वापसी पर उनसे कानून के मुताबिक सुलूक किया जाएगा। हिफाजती जमानत का फैसला कायद मुस्लिम लीग नून ही करेंगे। वजीर इत्तेलात मुतज़ों का कारोबार है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है इंतखाबात की हतमी तारीख भी जल्द सामने आ जाएगी। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई। इलेक्शन से मुतालिक बयान में कहा, आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सख्त मुकाबला होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातों का इत्तेहाद बनेगा। मंजूर वसान ने सिंध में जालों के क्लीन स्वीप करने का दावा भी कर दिया। मजीद बोले, निगरान हुकूमत के जहन में था वो 1 साल रहेंगे, मगर अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है।
जिना हाउस हमला केस में 9 मुलजिमान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का सनम जावेद खान, रूबीना जमील और अफशां तारिक को रिहा करने का हुक्म। उधर पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी का जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 अक्टूबर तक जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी की FIA तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दो अहम दरख्वास्तें। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत पीर को होगी। अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त 25 सितंबर को सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज होने के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दो रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। भारत की इंतहा पसंद सियासत खेलों पर भी हावी। कौमी क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स के वीज़े ताखीर का शिकार। भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीज़े सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिए। भारतीय हाई कमीशन खिलाड़ियों को वीज़े जारी करने से गुरेजा। कौमी टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 25 सितंबर को भारत रवाना होना है। बाबर 11 ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैचेस खेलने हैं।